टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध किया और कानून वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रैली का नेतृत्व डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने कलेक्टर सुभाष द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और तीनों बिलों को वापस करने की मांग रखी। कांग्रेसी नेताओं ने इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने मित्रों अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन बिलों को किसान के खिलाफ बनाया है। किसानों को अपनी फसल इन उद्योगपतियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और MSP के साथ साथ उद्योगपतियों को असीमित भंडारण की सुविधा दे दी गई है, जिससे कालाबाजारी बढ़ना शुरू हो जाएगी और भविष्य में किसानों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यदि मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर इन काले कानूनों का विरोध करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है और जो तीन काले कानून उनके पारित कर दिए गए हैं किसानों से बिना पूछे, किसान नहीं चाहता है मगर उन पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। किसान जो तीन कानूनों के विरोध में पिछले 50 दिन से दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि हम किसानों के साथ, और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टाइम लिमिट दिया है 15 तारीख तक के। आज अंतिम दिन टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल जन समूह के साथ हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।